हेलो, वेलकम टू बैक न्यू वीडियो। कैसे हैं दोस्तों? आज हम बनाने वाले हैं ग्रीन पीस पुलाव। ग्रीन पीस पुलाव दोस्तों एकदम पार्टी वाले ग्रीन पीस पुलाव बनाने वाले हैं, तो वीडियो पे बने रहना, आपको जरूर कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा और बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना और वीडियो को लास्ट तक देखना। तो हमने यहाँ पे 5 किलो बासमती राइस लिया है। अच्छी तरीके से इसको पहले वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद दोस्तों अच्छी तरीके से इसको हम वॉश करने के बाद इसको हम भिगा लेंगे। पानी में डाल के इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रख लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम इसका तड़का लगाते हैं। सबसे पहले आपको एक हंडी, एकदम मोटा वाला हंडी ले लेना है और इसमें देसी घी का तड़का लगाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे 80% हमने यहाँ पे देसी घी लिया है और 20% हमने यहाँ पे ऑयल लिया है। तो गरम हो जाएगा हमारा घी और ऑयल दोनों, जो गरम हो जाएगा उसके बाद इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला का तड़का लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे गरम मसाला लिया है, दालचीनी छोटे छोटे मैंने यहाँ पे 5 से 7 पीस मैंने यहाँ पे दालचीनी लिया है और 4 से 5 मैंने यहाँ पे तेजपत्ता लिया है और 5 से 6 पीस मैंने इलायची और 5 से 6 पीस मैंने यहाँ पे लौंग लिया है। तो घी हमारा देसी घी एकदम गर्म हो चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, गर्म मसाला डाल देंगे। गरम मसाला अच्छे से इसको एकदम घी में एकदम फ्लेवर जब आने लगेगा उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप पानी डाल देना है। हमने यहाँ पे 5 किलो हमने राइस का 5 किलो चावल का हमने यहाँ पे पुलाव बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पे पानी हमने 10 लीटर पानी डाला है। आपको भी इतना ही पानी डालना है। जैसे कि आप अगर 1 किलो चावल का बना रहे हैं तो आपको 2 लीटर पानी डालना है और अगर 1/2 किलो चावल का बना रहे हैं तो 1 लीटर पानी डालना है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्लाइस के और प्याज को थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे पुलाव को ऊपर में डालने के लिए। तो पानी हमारा उबल चुका है दोस्तों। अब हमने जो 15 से 20 मिनट के लिए हमने जो चावल को भिगा के जो छोड़ दिए थे, अब इसको क्या करेंगे, स्टैंड करके चावल अब डाल देंगे पानी में। चावल को अच्छी तरीके से पानी निकाल के आपको डाल देना है। तो हमने यहाँ पे चावल को डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे। और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चीनी। चीनी भी पुलाव में बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि थोड़ा सा मीठा वाला टेस्ट भी आना बहुत जरूरी है। उसके बाद दोस्तों इसको हम ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। मैक्सिमम हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक्कन एकदम स्लो फ्लेम में आपको रखना है और 10 से 15 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। तो 10 से 15 मिनट हो चुका है, देखिए हमारा चावल में स्टीम आ चुका है और एकदम पानी एकदम ड्राई हो चुका है दोस्तों। अब इसको क्या करेंगे, अच्छी तरीके से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि आपका चावल जले ना। इसी तरीके से आपको अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। और अगर आपको डर लग रहा है कि चावल आपका जल जाएगा तो आपको क्या करना है, नीचे एक छोटा सा तावा भी रख लेना है। चावल को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डालेंगे। तो अब हम इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने के बाद दोस्तों हमने यहाँ पे फिर से देसी घी ऊपर से डाला है एकदम टेस्ट के लिए और फ्लेवर के लिए। बहुत ही अच्छा एकदम देसी घी का ही हम पुलाव बनाते हैं हम होटल में। उसके बाद इसमें हम डालेंगे केसर और दूध दोनों को, जो हमने उबाल के जो रखे थे इसको, केसर और दूध थोड़ा सा इसको कलर के लिए एकदम डालना बहुत ही जरूरी होता है। अब इसमें हम जो हमने ब्राउन करके जो हमने प्याज रखे थे, प्याज भी ऊपर से एकदम गार्निश कर लेंगे। अच्छी तरीके से प्याज हमने यहाँ पे ब्राउन किया हुआ प्याज हमने डाल दिया है।
अब हम क्या करेंगे, ग्रीन पीस का तड़का लगाएंगे। दोस्तों हमने यहाँ पे घी लिया है, घी डालने के बाद हमने पूरा ये पुलाव पूरा घी से ही बना है। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डाल देंगे काजू। हम पुलाव में हम लोग काजू भी डालते हैं और किशमिश भी डालते हैं दोस्तों, तो वीडियो पे बने रहना लास्ट तक, हम आपको बहुत ही अच्छा रेसिपी दिखाने वाले हैं। काजू को हल्का सौते करने के बाद इसमें हम आप किशमिश भी ऐड कर लेंगे। और इसको अच्छी तरीके से थोड़ा से लाल होने देते हैं, थोड़ा सा सौते हो जाएगा। अब उसको क्या करेंगे, हम इसमें ग्रीन पीस ऐड कर देंगे। ग्रीन पीस को अच्छे से सौते कर लेंगे। ये बहुत ही आसान रेसिपी है दोस्तों, अगर आपके घर में कोई भी गेस्ट आए तो आप इस तरीके से ग्रीन पीस पुलाव उसे बना के खिला सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा ग्रीन पीस पुलाव, आप जो हमने जो ग्रीन पीस जो हमने सौते किया था, आप पुलाव को ऊपर में डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा ब्राउन ओनियन भी, थोड़ा ब्राउन ओनियन इसके ऊपर में डाल देते हैं और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली हमारा ग्रीन पीस पुलाव रेडी हो चुका है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज दिल से सपोर्ट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फैमिली के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करना। और अगर हमारे अभी तक कलकत्ता का फेमस बिरयानी वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से इस ग्रीन पीस पुलाव को आप बना सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।